हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और अभी अभी तुम्हारा भाई सो के उठा, और तुम्हें पता ही है सीजल उठते ही ये वेट कर रहा होता है जब मैं सो रहा होता हूँ कि ये कब उठे कब उठे कब उठे। उठते ही मेरे पीछे पड़ जाता है कि चल घुमाने लेके चल। तो सबसे पहली प्रायोरिटी भाई है अपना, इसको घुमा के ला रहा हूँ। हाँ, चल रहा हूँ इसको घुमा के ला रहा हूँ, फिर तुमसे मिलूंगा। पीछे मेरे ओट्स बन रहे हैं, आके खाऊंगा आराम से, फ्रीजर में रख दिए ठंडे चिल्ड, और उसके बाद जाएंगे जिम। क्या चालू करके एटीएम? तो भाई घर बैठे बैठे अभी एक व्लॉग एडिट कर लिया कल वाला। अब तुम्हारा भाई जा रहा है अंडे और केले खाने, जो मेरी प्री वर्कआउट मील होगी, क्योंकि आज संडे दुनिया के लिए, बट मेरे लिए बढ़िया प्रोडक्टिव डे, शांति, ना किसी से झोल मोल, कम बंदे मिलते हैं संडे के दिन, भीड़ भीड़ कम होती है, वर्कआउट बढ़िया होता है, जिम भी खाली होता है। तो चलते हैं, बढ़िया सा शोल्डर वर्कआउट करेंगे। वैसे मैं अभी चला जाता, बट मेरी अभी बात हुई मनीष से वगैरह की, एक घंटे तक चलते हैं, उसके भी शोल्डर है मेरे भी, तो उसके साथ बढ़िया वर्कआउट हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोवर्ट चुप रहता है, जो बोलो करता रहता है, साथ में पुश भी करता रहता है, और मज़ा आएगा। तो प्री मील लेता हूँ, फिर उसके बाद सीधा तुम्हें जिम मिलूँगा, अंडे और केले खाने जा रहा हूँ। चलो तो भाई अब जा रहे हैं जिम, और आज जा रहे हैं पंजाबी बाग, क्योंकि अपने साथ है एक ब्लैक स्टूडेंट बंदा। पहला कुछ कह रहा है पंजाबी बाग में किसी और का कार्ड लेके जाएगा वो। चलो पता नहीं कौन है बैठ कर रहे हैं। सॉरी पापा मेरी बहन, अब बोल वो बोल कर रहा है। अच्छा अपना मजाक करो, इतना कुछ भी नहीं करेगा आपको, नींद वगैरह भी नहीं है कि खराब करेगा। जो बंदे लेट लेते हैं वो भी इसमें 200 mg कैफीन मिलेगी आपको, और साथ ही साथ एलार्जिनिन वगैरह, क्रिएटिन, बीटा एलानाइन सब है, जो एक नॉर्मल प्री वर्कआउट में होना चाहिए आपके वर्कआउट को बढ़िया करने के लिए। प्री वर्कआउट मैं जो करता हूँ, जैसे बैक वाले दिन और क्या कहते हैं लेग्स वाले दिन यूज कर लेता हूँ, तो आप ले सकते हो इसको, तब यूज कर लेना, बढ़िया रहेगा। सस्ता प्री वर्कआउट है, बस फ्लेवर में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फ्लेवर उतना अच्छा नहीं है इसका, बट स्टिल प्री वर्कआउट बढ़िया है, आपको बढ़िया हिट करेगा। और जो एक दिक्कत आती है प्री वर्कआउट में, क्रैश कर जाता है, वो भी नहीं करता। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप खरीद सकते हो। ये मतलब प्री वर्कआउट बजट फ्रेंडली है, बढ़िया है, और आपके वर्कआउट भी बढ़िया करेगा, क्रैश नहीं करेगा, और अच्छी है। तो फटाफट नीचे लिंक होगा, वहां से खरीदो, अपने भाई का कूपन कोड लगा लेना आरुष एज इट इज। अब अपना वर्कआउट स्टार्ट करो। प्री वर्कआउट्स में दिक्कत आती है कि कोई हैवी मेटल बैंड सब्सटेंस यूज हुआ होता है, बट इसमें कुछ भी नहीं है, इनके पास सर्टिफिकेशन भी है इस चीज की, जो आपको यहाँ पे सारी दिख जाएगी। Burning at both ends, I like the fire causing mayhem. I'm not tired, I've been waiting, I'm not forsaken. On my own and I'm jaded, energy comes from my hatred. Call me the villain, cause I be killing. I got no feeling, I've been dealing with all my demons. I like to feed them, they be chilling, yeah they be screaming. I can hear them in my mind, they just wanna find any fight, any reason. Welcome to the dark side, there ain't no place to hide. All your fears are electrified, welcome to the hard side. So guys, आज का दिन एक अपने लिए वो था सेल्फ केयर वाला दिन, जिम जाओ, अच्छा खाओ, वही सब हुआ है, बकचोदी ज्यादा हुई नहीं। तो हम आपको मिलेंगे कल विद बकचोदी, ठीक है? आज का ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, अभी घर जा रहा हूँ जल्दी टाइम से, घर वाले भी खुश और घर वाले खुश तो हम खुश। तो भाई मैं उठ गया हूँ आज बड़ी जल्दी, और बहुत नीच लोग होते हैं जो सोते रहते हैं। भाई रोज जल्दी उठना चाहिए, अपनी जिंदगी गाल रहे हैं बंदे, सो के रात को फोन में लगे रहते हैं, सुबह 12-12 एक बजे उठते हैं, पर तुम्हारा भाई वैसा नहीं है। तुम्हारा भाई तो 9 बजे मैक्स उठ जाता है, अपनी कॉफी वॉफी बना लेता है, रोज का यही हाल है अपना। ये देखो कॉफी, मम्मी उठाओ इन दोनों को। तू जल्दी उठ जाना, मैं तो रोज जल्दी उठता हूँ, हमारी आदत नहीं है सोते रहो, लफंगों की आदत होती है वो, वरना भाई भी अपने साथ उठ जाता है रोज। बढ़िया, सुबह जल्दी उठो। अब देखो व्लॉग स्टार्ट कर दिया, अब पूरे दिन देखो क्या करेंगे, ठंडा मौसम हो रहा है आज, इसका दिल भी ठंडा हो गया हमारे लिए। चलो कोई नहीं, सुबह सुबह कैसी गंदी बातें कर रहा हूँ, चलो मिलते हैं आराम से। चलो खड़े हो, खड़े हो, दिस्ती नहीं डालनी घर पे, चलो ए खड़ा हो भाई घर पे, दिस्ती मत डालो, सो सो के। चलो भाई मैंने सोचा चलो जल्दी उठ गए, कुछ काम कर लेता हूँ, फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी बताओ कोई काम, मम्मी कह रही तेरी जिंदगी में तो कोई काम ही नहीं है, तू बस इसको घुमाता है और जिम जाता है। तो मैं इसको घुमाने आ गया हूँ, और जिम में अभी जाऊँगा नहीं, क्योंकि जिम चला गया फिर पूरा दिन खाली हो जाएगा, क्योंकि पूरे दिन में जिम के लिए तो तैयार होता हूँ, जिम के लिए खाता हूँ, जिम के लिए पीता हूँ, जिम जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जिम के वर्कआउट देखता हूँ, पर अभी जिम चला गया फिर पूरा दिन खाली, फिर करूँगा क्या, मेरे बहन जो टेंशन हो गई जल्दी उठ के, इससे बढ़िया तो सोते ही रहता। चलो कोई नहीं,
कुछ ना कुछ तो मेरा मकसद होगा ज़िंदगी में, बस खाने पीने और जिम करने नहीं आया मैं। तो भाई ये चेक करो तुम्हारी भाभी कैसी है। तो भाई फिर आज यही चेक करेंगे आज के दिन की मेरा इस दुनिया में आने का फ़ायदा क्या है, मैं करता क्या हूँ पूरे दिन। पहला काम मेरा है वो है मरीजों को घुमाना, तो एक तो फ़ायदा हुआ इस दुनिया में मेरा आने का, बाकी दूसरा फ़ायदा भी देखते रहेंगे। ब्लॉग में बने रहो, देखते क्या है। भाई आप सबको बताया कि मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स खाता हूँ और मेरी ज़िंदगी का दूसरा वो फ़ायदा यही है कि मैं ओट्स वालों की बिक्री करवा रहा हूँ। ओट्स की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे इतने लोग काम करते हैं, ओट्स बिकते हैं, दुकानों पे आते हैं, मैं वहाँ से लेता हूँ, तो बीच में 4-5 बंदे प्रॉफिट कमा रहे हैं और उनका घर चल रहा है। हमारा भाई डेली 150 ग्राम ओट्स खाता है, तो 1.5 किलो 5-6 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है मेरा ज़िंदगी में आने का, ओट्स ख़त्म करना। 2 फायदे हो गए। अरे चुप, और तुमने शादी करनी नहीं कर रही है? मम्मी शादी करा रही नहीं कर रही? मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे 1,00,000 बंदा देखता, कोई तो आई नहीं फोटो लेगा। सो गाइस फाइनली एक काम और मिल गया मेरे को जिंदगी का। ये देखो ये मेरे मामा है, कितनी उम्र है मामा की? कितनी उम्र है? 40 साल का मामा हो गया है। तो मामी नहीं आई हमारी अभी तक, और मामा मामा के लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं। तो मामा का दिल उठा हुआ है, मामा का एक लड़की ने दिल तोड़ दिया था, उसके बाद मामा चांस ही नहीं दे रहे किसी लड़की को। मामा मेरे को अपना फ्यूचर दिख रहा है। मामा शादी कर लो, मम्मी करानी है नहीं करानी? ओ नहीं नहीं नहीं, आ जा, कब करवाओगे? चाई चाई तेरा मन करता है शादी वो भी कह रहा मास्क उतारो। चाई तेरा की फायदा होया इस दुनिया ते आण दा? इस दुनिया ते आण दा की फायदा होया? जल्दी दस ऑडियंस नूं, कोई फायदा होया तेरा इस दुनिया ते जन्म लैण दा? मैंने क्या दुनिया ते जन्म लैण उनां नूं की फायदा? तेरे को कोई फायदा हुआ? तूने किसी का मेरा बाप परिवार सब खेड़िया पिया, मैं वेख्या सब कोई तियां पुत्तर कार बार किसी गल दी कमी थोड़ी है। कुछ फायदा हुआ सरकार का? कुछ फायदा हुआ देश का? कुछ फायदा हुआ तेरे पैदा होने से? मैं सरकार का देश पेंशन दे दे दे, देश का घाटा ही हुआ, पेंशन खा रही है तू देश की? नहीं टैक्स दे रहे मकान टैक्स नहीं ले रही के? नहीं मकान टैक्स नहीं ले रही। तो आज सबसे पूछेंगे कुछ फायदा किया तुमने इस दुनिया में पैदा होके? पूछो तेरा कुछ फायदा हुआ पैदा होने का? तेरा तो फायदा ही, तू बता भाई तेरा कुछ फायदा हुआ इस दुनिया में आने का? हाँ क्या? लोगों को इतना एंटरटेनमेंट करा। अब कुछ फायदा हुआ और कुछ प्रैक्टिकल फायदा? मतलब कुछ फायदा किया तूने इस देश का, इस दुनिया का? कोई पेड़ पौधे उगाए कुछ किया जिंदगी में आज तक? ये 26 साल वेस्ट? नहीं पेड़ अपने गमले चल गमले करे, कुछ फायदा नहीं किया इसने भी, ये भी बैन हो जा धरती पे। चलो मैं एंड में बताऊंगा मैंने क्या क्या किया। मतलब गैस कल को ये मर जाए तो कोई गम वाली बात नहीं है, कुछ करा नहीं इसमें ना, इसको याद करेगा कोई? भाई यार गर्मी में नहीं। हाँ भाई आ जाओ। तो भाई मेरी जो नाइकी की टी शर्ट थी मम्मी ने खो दी यार, वो कंप्रेशन बड़ी प्यारी लगती थी, तो मैं एक और लेने जा रहा हूँ कोई, अब मिल नहीं रही। अगर कभी पुरानी मिल गई तो दो हो जाएंगी, एक इसको दे दूंगा, अदरवाइज ले। तो भाई मैंने तो ले ली, बताओ इसको लेनी चाहिए नहीं चाहिए? दिखा पीछे हो गए डेली भाई दोबारा वो वाली टी शर्ट और एक निक्कर भी पसंद आई थी, वो भी देखी। फुकरे होते हैं ना कुछ आते हैं लेते नहीं, तुम्हारा भाई उनमें से नहीं है। एक चीज घर पे पड़ी थी मिल नहीं रही, फिर भी खरीद ली, ये होती है बाबा जी। अबे चल आगे बताओ, अब दुनिया की कहाँ ऐसी तैसी करती है। प्रोडक्टिव डे, कल थोड़ा लेट ही उठूंगा भाई, फिर मैं खर्चा कर देता हूँ मोटा यार, देख लो तुम जैसे आज कर दिया। सो गाइस अब इससे पूछेंगे आज, भाई मैं पूछ रहा हूँ कि तूने पैदा हो गया कुछ खाना इस दुनिया में? कुछ तूने वेलफेयर किया कुछ इस दुनिया का? हाँ लड़कियों की इस देश का कुछ करा भाई? किसी ने भी कुछ नहीं करा, तो कल को ये भी मर जाए कोई रोने वाली बात नहीं है। कौन सा गम वाला लोग है? आजा लस्सी पिलाओ। बोल हम छोड़ रहे थे भाई,
पहले व्हाट्सएप कर लूं। भाई मेरी बात सुन, तू पैदा हुआ, तूने क्या वेलफेयर किया इस दुनिया के लिए? सबसे ये पूछ रहा हूँ, क्या कुछ बेटरमेंट करा इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ फायदा हुआ तेरे पैदा होने से? क्या हुक्का बनाना सीख गए लोग? कुछ नहीं सीखे। और कुछ फायदा? ये तो नुकसान हुआ, फायदा बता। नुकसान क्यों? जिंदगी कम हो रही है लोगों की, पी पी के फायदा बता। फायदा और बताऊं कल को ये भी मर गया तो रोना नहीं है, इसने भी कुछ अच्छा नहीं किया। अब जल्द कुछ नहीं उखाड़ा इसने भी। ये ले यार, रुक जा एक मिनट, दिखा दे। चलो गाइस, उसको भाई बताओ ये अगली गली में जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी क्यों नहीं जाएगी? डाल फिर वो लगेगा उसके लिए। क्या तेल? ओ सॉरी पापा, वैसलीन। इसको पता ही नहीं, पता चल बाप को ऑटो पे लगाता है वैसलीन। कितने लड़की में बात निकलती है। मटके मटके, इस जिंदगी में तू पैदा हुआ, तूने कुछ फायदा कराया दुनिया का, देश का कुछ? आयुष ने तो कराया, ये सब चीजें बताई नहीं जाती। अबे कराया नहीं कराया वो मेडल भाई, टीम चल रही है, मेडल है, मेडल मेडल इसने यूथ को इंस्पायर करा है। अच्छा, लिफ्टिंग पता नहीं यार, कर दिया जो कर दिया बहनी, इसने तो करा है। चलो बोल उधर से। अबे नहीं आई इस बार, ओ तेरी बैड को भी बैड बैड, रुक जा। तुम्हारा भाई प्रोटीन पी रहा है फुल डाइट ऑन टॉप। सो गाइस, अब मैं यहीं से जिम जा रहा हूँ क्योंकि अभी घर जाने का कोई सेंस नहीं बनता, खाया पिया हुआ, यहीं से जिम जाऊंगा, टी शर्ट नहीं ले लिया वही पहनूंगा और उसके बाद तुम्हारा भाई मारेगा। अब तुम्हारा भाई हो गया पूरा तैयार जिम के लिए, अपनी नई टी शर्ट पहन के आर्म्स मारेंगे। वैभव की वेट कर रहा हूँ, भाई व्लॉग एडिट कर रहा है, एडिटेड है, अपलोडेड है, लाइव कर रहा हूँ। मैंने भी लाइव करना, बट उसमें येलो डॉलर है, अभी ग्रीन होते कर दूंगा। यस, और अगर शाम को 8 बजे तक नहीं हुआ ग्रीन तो येलो ही डाल देंगे। किसका आर्म से ज्यादा बड़ा भाई? सेम ही है, शर्म नहीं आ रही तेरे को? एक बात बता भाई, दूर से अभी अभी नाइकी गए, अबे नहीं झूठ नहीं, कुछ फालतू नहीं बोल रहा। हाँ। अभी नाइकी गए। हाँ। भाई अगर तू अपने साइज का पूछेगा तो क्या कहेगा? भैया मेरे साइज की है, मेरे साइज सीरियस हो गए, मैं तो था भी नहीं उधर, मैंने दूर से देखा उधर। मेरे साइज का, और ऊपर से दूसरा रिजल्ट देखो, टी शर्ट ऊपर करेगा, खान बनानी पड़ती है क्या करना पड़ेगा यार भाई? ऐसी बॉडी बनाने के लिए ना खाना बनानी पड़ती है, पता है? ऐसी नहीं बनती ऐसी बॉडी। अच्छा, तो भाई स्टार्ट कर दिया अपना वर्कआउट, डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म में मार रहे हैं बाइसेप कर्ल्स, पहली एक्सरसाइज। और इसमें ऐसे नहीं कि सीधा मेन सेट पे जाना है, इसमें धीरे धीरे वेट और रेस्ट बढ़ाएंगे क्योंकि छोटा मसल है, धीरे धीरे वार्म भी होता रहेगा और जैसे जैसे वेट बढ़ेगा थोड़ा बहुत चीट होगा, जैसे ये कर रहा है क्योंकि हम पे चीट हुआ, हम वर्कआउट पे चीट कर रहे हैं और आर्नोल्ड ने भी अप्रूव करा हुआ ये चीट कर्ल्स। तो ढाई ढाई किलो की बाजू बने, नीचे कमेंट करेंगे ठीक है। एक नंबर वर्कआउट हो गया, तुम पंप देख लो, अभी जब जा नहीं रहा, और अब चलते हैं हम घर क्योंकि कुछ काम आ गया अर्जेंट, फिर देखते हैं तुमसे मिलते हैं, शायद व्लॉग नहीं कर पाऊंगा बट जो भी होगा तो मैं दिखा दूंगा। तो भाई ये सिक्का चटोरा है तो मेरे को भी खिलाने ले आया, गोलगप्पे थोड़े से खा ले, खिलाओ। ब्रांड बना रहा है? यस ब्रदर, आई विल टेस्ट, कैसे है? बहुत बढ़िया है, ठीक है खा के देखने। रेड पानी होगी भाई के तो बल्ले बल्ले है, लड़कियां कहती है भैया और दो और दो। है भैया और दो।
भैया थोड़ा धीरे ठीक है भैया जल्दी दो ओ तेरी अच्छा ठीक है तुम्हारी नहीं ले रहा भाई सॉरी पहले मैं टेस्ट करूंगा कर ले भाई मैं बहुत बढ़िया ट्राई करना भाई अन्ना कूल मित्रा ढाबा के सामने। सो गाइस मैं कह रहा था कि व्लॉग नहीं कर पाऊंगा बस इसी वजह से कह रहा था क्योंकि यार मेरे को यहाँ आना पड़ गया था गंगाराम। अभी बताता हूँ क्या स्टोरी है। सो गाइस हमें हॉस्पिटल मम्मी जी के लिए आना पड़ा, मम्मी जी का एक छोटा सा ऑपरेशन है, दुआ करो बढ़िया हो जाए सब, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल मिलते हैं, आप काम करा के मम्मी का एडमिशन होगा। ये नहीं पता मोहन लाल मदन लाल सॉरी नाना का नाम भूल गया। सो गाइस अब गुड बाय और कल मिलेंगे। मम्मी हाय बाय बोल दो, अभी पूछना होगा सुबह ही बताओ इधर क्यों आए हो, बताना नहीं बताना नीचे कमेंट्स में गेस करो, कल के व्लॉग में बताऊंगा फिर ठीक है, तब तक गेस करो बाय बाय। यार गिरे पागल है वो मान जा रहे हैं। हां थोड़ा पापी मगाली देता काफी पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी तीन।